नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एम में। तो देखिए, आज जैसा कि आप सभी को पता ही है, आजकल जो UK SSC जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी के जो भी सिलेबस हैं वो अपने साइट पे डाल रहा है। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो पे ये बताया है कि आपका जो वन रक्षक है, आबकारी सिपाही और प्रवर्तक सिपाही, अकाउंटेंट और अग्निशमन में जो भी आपके पेपर होने वाले हैं पुलिस विभाग में, तो उसका भी सिलेबस इन्होंने अपने साइट पर डाल रखा है। तो उसकी मैंने पूरी डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा फेसबुक पेज और आपका टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है, जो कि आपका स्टडी विथ एम के नाम से है। जैसा थंबनेल और जैसा आप लोगो हमारे चैनल का देख रहे हैं, वही लोगो से वो भी बने हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको देखिए रोज की अपडेट मिल जाती है, प्रैक्टिस सेटों की सीरीज मिलती है यहाँ पे, और बहुत सारी PDFs आपको यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है, कोई भी इसका चार्जेस आपको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आके ज्वाइन कर लिए, तो वैसे अदरवाइज कोई भी आपको फोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ कि उस पर आप ज्वाइन होइए। ठीक है, उसके बाद देखिए, आज जो आयोग ने अपने साइट पे जो सिलेबस डाल रखा है वो आपका फॉरेस्टर का। ठीक है ना, देखो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो सब इंस्पेक्टर होता है, उसके लिए अभी हाल ही में भर्ती निकाली गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, स्टे लगा है हाई कोर्ट में, तो इसका अलग ये नहीं है कि आपके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो आप सभी लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ताकि बाद में इन आपको कोई खामियाजा इसका भुगतना ना पड़े। आप सभी लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते रहिए। ठीक है, स्टे लगा है हाई कोर्ट में, क्या पता वो सॉल्व हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हम सब यही उम्मीद लेके चलते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव थिंक लेके चलना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, हो जाएगा, और हो सकता है आगामी अप्रैल मई में इसका पेपर भी हो जाए, क्योंकि फॉरेस्टर और ये जो आयोग है उसने अपना इसका जो सिलेबस है वो तो दे ही दिया है। ठीक है, तो इसका उसमें कोई भी भ्रांति नहीं है कि आप इसका पढ़ाई नहीं करें, स्टे लग गया आप तो पेपर ही नहीं होने वाला है, ये है वो है, तो ऐसे भ्रमों से दूर रहें। देखो, जिसको जो करना का अपने आप करता है, आप इन चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तो सिर्फ आपकी मेहनत देखी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे एक सिर्फ एक यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इधर अदरवाइज और चीज़ों पे अपना माइंड डाइवर्ट ना करें, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपको सिलेक्शन करवाएगी। ठीक है, अदरवाइज आपको ये उल्टे के झमेले, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं कराने वाला, आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी पढ़ाई कराएगी। तो ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बढ़ते हैं हम अपने ये सिलेबस की ओर को। तो देखिए, जो ये सिलेबस देने वाले हैं वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का है। ठीक है, इसमें 9 और 10 स्तर तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 9th 11th और 12th से भी इस मैटर को आप तैयार किया जाए। आप सभी लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो देखिए आप सभी को पता ही है कि 9th और 10th पर जो चीज़ बेस दे रखी है, उसी का डिटेल आपको 10th और 11th और 12th में आपको मिल जाता है। तो आप 11th और 12th यानी 9 से लेकर 12th तक की जो तैयारी है वो NCERT से आप करिएगा, और ये भी जो सारे टॉपिक है उन सारे टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले पूछा जाने वाला है सिलेबस में वो होगा फूड का, दूसरा है आपका मटेरियल का। देखिए, जो मैटर होगा उसका नेचर ऑफ बिहेवियर्स पूछ लिए जाएंगे, कि सॉलिड लिक्विड गैस और उसका बिहेवियर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, तो इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डिटेल दे रखी है, आप इसको स्क्रीनशॉट और इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसका नेचर ऑफ मैटर हो गया, प्रैक्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट्स हो गया, मॉडल कॉन्सेप्ट हो गया, मूल कॉन्सेप्ट हो गया सॉरी, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गया, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज होगी आपकी यहाँ पे, और उसका सेल्स आ गया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसकी आपका इसमें देखिए आपका बायोलॉजी भी पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारा 12th बायोलॉजी से है, क्या हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, जो साइंस वर्ग होता है उसमें मैथ बायोलॉजी दोनों आ जाती है। ठीक है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है कि साइंस मांग रही तो हम तो बायोलॉजी वाले हैं, तो आपको इतना खुद पता होना चाहिए कि आप भी विज्ञान वर्ग के ही हैं। ठीक है, अगर आपकी बायोलॉजी है तो आप भी विज्ञान वर्ग भी हैं। विज्ञान क्या, बायोलॉजी विज्ञान पे नहीं आता क्या, वो भी विज्ञान पे आता है, तो बायोलॉजी वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी देखिए, देखिए हेल्थ और डिसीज दे रखी है, और मूविंग थिंग्स हो गया, पीपल्स एंड आइडियाज़ हो गया, मोशंस हो गया, फोर्स एंड वर्क, यहाँ पे फिजिक्स का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसका मोशन पे क्या क्या आने वाला है ये दे रखा है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ दे रखे हैं यहाँ पे, लॉ से भी आपके पूछा, ग्रेविटीज दे रखी है। ठीक है, उसका वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड हो गया, उसका नेचर रिसोर्सेज हो गया, आवर इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, उसका देखिए आपका फिजिकल रिसोर्सेज दे रखा है, जिसमें आपका एयर वाटर सॉलिड है रखा है, और बायोजेनिक्स केमिकल साइकिल्स इन नेचर्स दे रखा है आपका यहाँ पे, और ये भी पढ़ना है आपको, केमिकल सबस्टेंस दे रखे हैं, नेचर ऑफ एंड बिहेवियर, एसिड बेस एंड सॉल्ट,
केमिकल रिएक्शंस दे रखी है, आपकी केमिकल रिएक्शंस भी पूछा जाएगा। हो अधिकतर आप बेंजीन रिंग से पढ़िएगा, बेंजीन रिंग वाली ये जो आयोग है अधिकतर बेंजीन रिंग जरूर देता है, बेंजीन रिंग से बनने वाली अधिकतर रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेटल एंड नॉट नॉन मेटल भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो आपका आयोग है वो सबसे ज़्यादा आपका बायोलॉजी पोर्शन ज़्यादा देता है, तो आप उम्मीद करिए कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो ज़्यादा आएगा और आप बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दी वर्ड ऑफ लिविंग हो गया, वर्ल्ड लिविंग हो गया, ठीक है, कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया आपकी और रिप्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है, और आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाउ थिंग वर्क्स इफेक्ट और करंट हो गया, मैग्नेट हो गया, नेचर ऑफ फिनोमिना हो गया आपका, ठीक है। उसका नेचर और रिसोर्सेज में आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज हो गया, द रीजनल इन्वायरमेंट हो गया, और सोर्स ऑफ एनर्जी आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा इसका रोल प्ले होगा यहाँ पे, क्योंकि वन विभाग का ये पेपर है, तो इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अपना इन्वायरमेंट भी तैयार करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इतनी चीज़ें थी, आप चाहें तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, इसका जो सारी चीजें हैं डिटेल में कर लीजिएगा, इसका लिंक एक काम करूंगा मैं, लिंक ही दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, पूरी पीडीएफ इसकी लिंक मिल जाएगी, और लिंक और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है। और इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करके आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी है इसमें, वही उसी का सिलेक्शन होगा जो हार्ड वर्क करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही होगा बेरोजगारों की इतनी भीड़ है, भरने वाले बहुत से ज़्यादा हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़िए, और ये सोचिए कि मैं इस टॉपिक को आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, जैसे कि हम सोचते हैं ना, जैसे कल पेपर होता है तो आज पढ़ते हैं, उसी तैयारी उसी तरीके से तैयारी करते हैं, तो आप सभी लोग उसी तरीके से तैयारी जरूर करिएगा इस चीज़ की, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी डाउट्स होता है सिलेबस को लेकर, उसकी भर्ती को लेकर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अधिकतर सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, ऐसा भी कोई भी कमेंट नहीं होता जिनका रिप्लाई नहीं करता हूँ मैं, तो सभी चीज़ों का कमेंट जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई जरूर करता हूँ। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव लोग से अगर आप टच में रहेंगे आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हर चीज़ पॉजिटिव में रखिए, ताकि देखिए देखो पॉजिटिव रखोगे तो अगर पॉजिटिव सोचोगे तो थिंक भी पॉजिटिव आएंगी, जो आप याद करोगे उसे अच्छे से पढ़ जाओगे। अगर नेगेटिव सोचोगे, सोचो कि यार स्टे लग गया है, आप भर्ती होगी नहीं होगी, जितना टाइम आप ये सोचने में लगा रहे हो उससे अच्छा बेटर टाइम होगा कि आपका कि आप पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें उत्तराखंड पूछा जाएगा, तो देखिए इसमें सिलेबस देखिए उत्तराखंड भी आपकी नहीं आने वाली, जीके आपकी नहीं आने वाली है, जो भी है आपका फिक्स है आपका, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि देखिए जीके बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जीके, जीके कभी किसी कंप्लीट ही नहीं होती है। अब जीके आप पढ़ोगे पता चला कहीं और से पूछ लिया, ठीक है, आप तो पता चला 80% कवर करके गए तो आ गया 20% जो आप कवर करके नहीं गए, तो जीके का बहुत अलग पोर्शन होता है। वैसे आपका उत्तराखंड जी का है, उत्तराखंड का आपको पता ही है, UK SSSC ऐसे सवाल पूछ देता है जहाँ का किसी का संबंध ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है साइंस का बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है, लिमिटेड सिलेबस है कि इतने से ही आएगा, तो आप इतनी ही चीज़ें पढ़ के जाइए, अपना तैयार कीजिए और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है ना, कट ऑफ कर लीजिएगा, और उसको सिर्फ आप अपनी पढ़ाई, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है औरों को नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर मेरे को आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को और अच्छे से देखने के लिए और मेरी जो भी आगामी वीडियोज़ आएँ उनको देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच जाए, ठीक है। और ये सिलेबस आ चुका है, और अभी से आप सभी लोगों को आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी विद एम की ओर से, थैंक यू।